गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग विद अवर लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है डेल क्रेडिट कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। डेल क्रेडिट कमीशन जो है वो तब दी जाती है जब जो कंसाइनी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो बियर करेगा लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स जो अराइज होते हैं आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। जो ओवरराइडिंग कमीशन है, ओवरराइडिंग कमीशन उस टाइम पे दी जाती है जब जो कंसाइनी है वो सेल करता है गुड्स को उस प्राइस पर जो अबव है प्रिस्क्राइब प्राइस के। देन नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम्प्यूटेशन के बेसिस पे। जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो कैलकुलेट होती है टोटल सेल्स पर, नॉट ऑन क्रेडिट सोल, अदरवाइज स्पेसिफिकली अगर स्टेटेड है। ओवरराइडिंग कमीशन जो है वो बेस्ड होती है ऑन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। इसे आप टोटल सेल्स पर भी दे सकते हो और एक्सेस सेल्स पर भी दे सकते हो, जो भी एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशंस डिसाइड हुई हैं। गारंटी की बात करें, डेल क्रेडिट कमीशन में इस कमीशन के बदले जो कंसाइनी है वो गारंटी देता है कि पेमेंट ऑफ गुड्स वो करेगा उन गुड्स के लिए जो भी वो सोल्ड कर रहा है क्रेडिट पर। ओवरराइडिंग कमीशन के बदले जो कंसाइनी है वो किसी तरीके की कोई भी गारंटी नहीं देता है। देन नेक्स्ट जो आती है दैट इज अकाउंट सेल। एक सर्टेन पीरियड के बाद जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को एक स्टेटमेंट भेजता है रिलेटिंग टू गुड्स, जिसे अकाउंट सेल्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट शो करती है क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड को, टोटल सेल्स को, एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने इनकर्ड किए हैं, उसकी कमीशन, अमाउंट जो कंसाइनी ने भेजा है कंसाइनर को, और अमाउंट जो कंसाइनर को पेबल है एसेट्रा जैसी चीज़ों को। और ये जो स्टेटमेंट है कंसाइनी से मिलने के बाद जो कंसाइनर है एंट्री करता है इन ट्रांजेक्शन्स की अपनी बुक में। नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज एडवांस अमाउंट बाय कंसाइनी। ये अमाउंट जो है वो कंसाइनर डिमांड करता है कंसाइनी से एज सिक्योरिटी फॉर द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजी हैं कंसाइनर ने, उनके ऊपर एज अ सिक्योरिटी कंसाइनर डिमांड करता है अमाउंट कंसाइनी से। ये अमाउंट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में भी हो सकता है। ये अमाउंट कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को गुड्स को रिसीव करने से पहले या गुड्स को रिसीव करने के बाद। ये जो अमाउंट है वो सेल का पार्ट नहीं होता है, इसीलिए इस अमाउंट को हम कंसाइनमेंट अकाउंट में शो नहीं करते। लेकिन जो अमाउंट है सिक्योरिटी की, आप उसे एडजस्ट करते हो एट द सेटलमेंट ऑफ कंसाइनी अकाउंट। अगर जो कंसाइनी है वो अनेबल है कि वो नहीं दे सकता एडवांस मनी, तो जो कंसाइनर है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है कंसाइनी के ऊपर, और उस बिल ऑफ एक्सचेंज को वो डिस्काउंट करवा सकता है। जो अमाउंट है वो एडजस्ट नहीं होगी सेल्स अमाउंट में। जो अमाउंट है डिस्काउंट की, जो बिल ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट करवा रहे हैं, उस डिस्काउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ एक्सपेंस आप उसे शो कर सकते हो। वो जो डिस्काउंट है एक्चुअल में दिखाएगा क्या कि आपकी कॉस्ट क्या है ऑफ टेकिंग लोन्स। देन जो कंसाइनी है वो कैलकुलेट करता है अमाउंट पेबल, और जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी है उसको एडजस्ट नहीं किया जाता, अनलेस जो टोटल गुड्स हैं जो आपने सोल्ड की हैं या जो रिटर्न की है कंसाइनी ने, उसका एक जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है सिक्योरिटी का आपने क्रेडिट साइड पर कंसाइनर अकाउंट के शो किया है। फॉर एग्जांपल, कंसाइनी ने सेंड किया कंसाइनर को 5 लाख का एडवांस अमाउंट गुड्स अकाउंट के लिए, तो जो 1/4 है गुड्स वो उसने सोल्ड कर दी। अब 1/5 बचा, 1/5 5 लाख का हुआ 1 लाख रुपीज़। ये जो 1 लाख रुपीज़ है आप कंसाइनर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप उसे शो कर रहे हैं।
क्योंकि 1/5 गुड्स ही उसके पास अनसोल्ड पड़ी हैं, तो उसी की सिक्योरिटी को आप शो कर रहे हैं जो क्रेडिट साइड पर कंसाइनर अकाउंट के। अगर मेंशन स्पेसिफिकली है क्वेश्चन में तो जो कंसाइनी है उसे प्रोपोर्शनेट सिक्योरिटीज अनसोल्ड स्टॉक के लिए रखनी पड़ती हैं और उसी को वो एंटर बुक में किया जाता है। देन डिफरेंस क्या है परफॉर्मा इनवॉइस और अकाउंट सेल्स का? तो सबसे पहले इसे प्रिपेयर कौन करता है? जो परफॉर्मा इनवॉइस है इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर और सेंड कंसाइनर करता है कंसाइनी को। जो अकाउंट सेल है इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर और सेंड कंसाइनी करता है कंसाइनर को। परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर करता है कंसाइनी को और अकाउंट सेल्स कंसाइनी करता है कंसाइनर को। देन इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, प्राइस, मिनिमम सेल्स प्राइस एसेट्रा। जबकि जो अकाउंट सेल्स है वो इंफॉर्मेशन देता है रिलेटिंग टू सोल्ड गुड्स, रिसीव्ड प्राइस, कमीशन, अमाउंट सेंड एंड बैलेंस अमाउंट एसेट्रा। परफॉर्मा इनवॉइस के केस में जो कंसाइनी है वो लाइबल नहीं है पेमेंट करने के लिए जो भी परफॉर्मा इनवॉइस में लिखी है, जबकि इन केस ऑफ अकाउंट सेल्स जो कंसाइनी है वो लाइबल है पेमेंट के लिए जो भी अकाउंट सेल्स में लिखी गई है। परफॉर्मा इनवॉइस सेंड किया जाता है सिर्फ एक ही बार उन गुड्स के साथ जो गुड्स कंसाइनर भेज रहा है कंसाइनी को, जबकि जो अकाउंट सेल्स है वो आप एक से ज़्यादा बार बना सकते हो, दे सकते हो सेल ऑफ गुड्स के साथ जो भी कंसाइनी ने की है और जो कंसाइनी देता है टू द कंसाइनर। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। तो अबव जो भी हमने किया इससे इतना तो क्लियर है कि दो पार्टीज हैं, एक कंसाइनर है और एक कंसाइनी है। तो जो भी एंट्रीज, जो भी अकाउंट्स ओपन होंगे वो सिर्फ कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में ओपन होंगे। तो कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो कंसाइनर की बुक में ओपन होंगे? पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट। हर एक कंसाइनमेंट जो कंसाइनर भेज रहा है, डिफरेंट उसके पास कंसाइनीज होंगे, डिफरेंट एजेंट्स उसके होंगे, हर एक को वो जो कंसाइनमेंट भेज रहा है हर एक के लिए डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। तो सेपरेट सेपरेट जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसका पर्पस ये है इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का कि आप प्रॉफिट और लॉस जान सको हर एक कंसाइनमेंट के ऊपर। ये अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, जैसे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वैसे ही इसको प्रिपेयर किया जाता है। इस अकाउंट में आप डेबिट करते हैं जो भी अमाउंट ऑफ गुड्स सेंड की हैं, एक्सपेंसेस इंकर किए हैं कंसाइनर ने या कंसाइनी की कमीशन है, और इस अकाउंट में आप क्रेडिट करते हो जो अमाउंट ऑफ सेल्स हैं, जो सेल्स हुई हैं आपकी, और अनसोल्ड स्टॉक को। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है तो आपका प्रॉफिट है, अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपको लॉस हुआ है। तो जो प्रॉफिट और लॉस है हर एक कंसाइनमेंट का, आप उसके बाद आप उसे ट्रांसफ़र करते हैं, कंसाइनर जो है ट्रांसफ़र करता है उसे अपने जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये रियल अकाउंट है, जो भी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है या जो गुड्स रिटर्न की है कंसाइनी ने उसे हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो गुड्स आपने भेजी थी उसको और जो गुड्स उसने रिटर्न की है। तो जो बैलेंस है इस अकाउंट का उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं टू द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब जो आपका अनसोल्ड स्टॉक एक तरीके से रह गया। देन नेक्स्ट इज़ योर कंसाइनी अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट करता है जो भी अमाउंट ड्यू है या ड्यू बाय और ड्यू टू कंसाइनी को। जो अकाउंट है ये, इसे डेबिट करते हो आप विद द अमाउंट ऑफ सेल्स जो कंसाइनी ने की है और क्रेडिट करते हो विद एक्सपेंसेस जो कंसाइनी ने इंकर किए हैं, उसकी कमीशन, एडवांस अमाउंट जो रिसीव किया हुआ है आपको कंसाइनी से और बैलेंस अमाउंट जो रिसीव होना है कंसाइनी से। देन नेक्स्ट इज योर स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये रियल अकाउंट है नेचर से
और इसे आप डेबिट करते हो विद द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक जो कंसाइनी के पास पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर, और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करते हो टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स। तो ये हैं अकाउंट्स जो आप प्रिपेयर करते हो। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि कंसाइनी की बुक्स में आप क्या क्या अकाउंट्स जो हैं प्रिपेयर करते हैं, और आगे इसका पूरा हम जो जर्नल एंट्रीज हैं किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो होता है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।